स्टूडेंट, आज हम पेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि पेंट क्या होता है। जैसा आपको स्टूडेंट पता होगा, आपने पेंट यूज करा होगा कि पेंट क्या होता है, पेंट का यूज किस लिए करते हैं। पेंट का मेनली हम यूज करते हैं कोई ड्राइंग करने के लिए, कुछ भी हमें आपकी कोई इमेज बनानी है, उस सब चीज के लिए हम किसका यूज करते हैं, पेंट का यूज करते हैं। जैसे कि आपने पेंट का यूज करा होगा प्रीवियस क्लास में भी आपने यूज किया होगा, आप पेंट का यूज करके कोई इमेज बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई हार्ड कोड ड्रॉ करा कंप्यूटर में, आप किसका यूज करते हैं, पेंट का यूज करते हैं। जैसे आपने उसमें क्या लिया, आपने कोई स्क्वायर लिया या फिर आपने कोई रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल के बाद आपने ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल के बाद आपने कोई आपको कर्व शेप ली, कर्व शेप से आपने उसकी कोई विंडो बनानी है, आपने कोई सर्किल लिया, उसमें जो भी आपने यूज किया उसके बाद आपका हार्ट तैयार हो गया। या फिर आपने पेंसिल्स भी होती है उसमें के अंदर आपने पेंसिल को यूज करा, पेंसिल का यूज करके आपने उसमें कुछ बनाया है, तो वो सब चीजें किसके अंदर आती हैं, आपके कंप्यूटर में आती हैं, पेंट के अंदर। तो आज हम पेंट के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि पेंट क्या होता है, पेंट का यूज किस लिए करा जाता है, क्या क्या यूज करते हैं पेंट के, वही चीजें आज हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सर स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट है, यू नो दैट पेंट इज अ सिंपल ड्राइंग प्रोग्राम सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपको पता है कि पेंट क्या होता है, पेंट हमारा सिंपल ड्राइंग प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है पेंट हमारा सिंपल ड्राइंग प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। ये किसलिए यूज किया जाता है, सिंपली ड्राइंग का प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। क्या करने के लिए यूज किया जाता है, ड्राइंग करने के लिए यूज किया जाता है, किसका, पेंट का। तो पेंट क्या है हमारा सिंपल ड्राइंग प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, सिंपल ड्राइंग का प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर है जिससे हम की हेल्प से ड्राइंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे कुछ बनाना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहां कोई एक इमेज बनानी है, जैसे कि मैंने आपको हार्ट का एग्जांपल दिया, हम ट्रायंगल का यूज करते हैं, ये हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बाद मैंने इसमें कुछ एक रेक्टेंगल का यूज करा, ये हमारा एक रेक्टेंगल है, उसके बाद मैंने अनदर रेक्टेंगल का यूज करा, और भी मैंने यहां पर पेंसिल से लाइन ड्रॉ करी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, और मैंने कर्व शेप ली, कर्व शेप से इस तरीके से मैंने इसका डॉट्स बनाई, सर्किल लेकर सर्किल से विंडो बनाई, तो इस तरीके से मेरी हार्ट रेडी हो गई, पेंट का यूज करा। पेंट एक ड्राइंग का हमारा सॉफ्टवेयर है। तो वही बात बताई कि क्या है पेंट, पेंट एक सिंपल ड्राइंग प्रोग्रामिंग प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है, सिंपल है, ड्राइंग का प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है पेंट हमारा। इट इज यूज फॉर ड्राइंग वेरियस ऑब्जेक्ट ऑन ए कंप्यूटर। इसका यूज किस लिए करा जाता है, इसका यूज करा जाता है वेरियस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए इस पर कंप्यूटर पर, कंप्यूटर पर को वेरियस ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पेंट का यूज करते हैं ड्रॉ करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स को। हमने कुछ बनाना है, कुछ ड्रॉ करना है कंप्यूटर्स पे, तो हम किसका यूज करेंगे, पेंट का। पेंट की हेल्प से हम इमेज ड्रॉ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं अपने कंप्यूटर पर। जैसे मैंने आपको एक इमेज ड्रॉ करके दिखाई है एग्जांपल के लिए, वो किससे बन सकती है, हमारी पेंट की हेल्प से बन सकती है। तो पेंट का यूज किस लिए करा जाता है, पेंट ड्रॉइंग प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, सिंपल ड्रॉइंग प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जिससे हम ड्रॉइंग कर सकते हैं और जो वेरियस ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर्स पर। यू कैन अप्लाई वेरियस इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग इन अ पेंट। आप बहुत सारे इफेक्ट्स डाल सकते हो उसमें, अलग अलग इफेक्ट्स डाल सकते हो जो भी आप बना रहे हो ड्रॉइंग के अंदर। अप्लाई वेरियस इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट ड्रॉ इन अ पेंट, आप उस पर अप्लाई कर सकते हो वेरियस ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो, एफर्ट डाल सकते हो उस पर, वेरियस एफर्ट, अलग अलग एफर्ट आप उसमें डाल सकते हो अपने ऑन द ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट आप क्या कर रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो किसके अंदर, पेंट के अंदर। पेंट के अंदर जो भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसके अंदर आप वेरियस इफेक्ट डाल सकते हो। द पिक्चर कैन बी चेंज बाय रोटेटिंग, जो पिक्चर है वो कैसे चेंज हो सकती है, वो चेंज होगी बाय रोटेटिंग, रोटेटिंग करने से पिक्चर चेंज होगी, फ्लिपिंग, फ्लिपिंग करने से, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग करने से, एंड स्क्रीन यूजिंग इमेज मेन्यू ऑप्शन, और क्या करके स्क्रीन करके कहां पर इमेज मेन्यू ऑप्शन में। देखो मैंने बोला द पिक्चर कैन बी चेंज, पिक्चर को हम चेंज कर सकते हैं बाय रोटेटिंग, रोटेट करना मतलब कि उस पिक्चर को चेंज करना, किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई इमेज बनाई, फॉर एग्जाम्पल आप एक
इस तरीके की कोई हैंड की इमेज बनाते हो, आपने ये कोई एक हैंड की इमेज बनाई जो कैसा है आपका राइट हैंड, आपने एक राइट हैंड की इमेज बनाई, आप इसको रोटेट कर सकते हो। रोटेट कैसे कर सकते हो, ये आपकी इमेज है राइट हैंड की, आपने राइट हैंड की कोई इमेज बनाई, आप इसको रोटेट करोगे, जब आप रोटेट करोगे यहां से इसको ऐसे रोटेट करोगे तो ये कैसे हो जाएगी, ये आपकी इमेज कुछ इस टाइप से हो जाएगी। ऐसे अब ये कैसे होगी, लेफ्ट हैंड की तरह, मतलब राइट इमेज को आपने लेफ्ट कर लिया, रोटेट कर लिया, उसको आपने चेंज कर दिया, रोटेटिंग करना, फ्लिपिंग करना, फ्लिपिंग आप उसको किसी और इमेज और तरीके से भी मूव कर सकते हो, स्ट्रेचिंग करना, अब आपकी इमेज छोटी सी बनी हुई थी, आप यहां पर इसको क्लिक करोगे तो आप उसको साइज को इंक्रीज कर सकते हो, प्रेस होल्ड एंड लीव, आपने इसको प्रेस करना है फिर आप इसको होल्ड करके रखेंगे जब तक आपको जितना भी डिजायर आपकी है, जितने साइज आपको चाहिए उस साइज तक आप इसको प्रेस करके रखोगे और फिर आप छोड़ दोगे होल्ड करके रखने के बाद, तो वो क्या हुआ आपका साइज बढ़ सकता है स्ट्रेचिंग करने का। स्विंग द यूजिंग इमेज मेन्यू ऑप्शन, और आप स्विंग कर सकते हो किसका यूज करके, इमेज मेन्यू ऑप्शन आप यूज किसको करोगे, इमेज मेन्यू ऑप्शन, आप इमेज मेन्यू ऑप्शन का यूज करते हैं इन सबको करने के लिए। उसके बाद है द पिक्चर कैन बी कट पेस्ट एंड कॉपी बाय यूजिंग एडिट मेन्यू कमांड, आपकी जो भी पिक्चर्स हैं वो क्या हो सकती हैं, वो कट हो सकती हैं, पेस्ट हो सकती हैं और कॉपी हो सकती हैं, क्या क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, किसका यूज करके, एडिट मेन्यू कमांड का यूज करके। पिक्चर को कट करा जा सकता है, कट करना मतलब आपने कोई पोर्शन को रिमूव करना है, कट का मतलब क्या होता है, रिमूव करना, हटा देना, आपको कोई पोर्शन रिमूव करना या हटाना है आप रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, कट कर सकते हैं। पेस्ट करना, आपने वही इमेज दोबारा से चाहिए, आपने वो कॉपी करी हुई है, आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। एंड कॉपी, कॉपी डुप्लीकेसी करना मतलब सेम वही चीज बनाना दोबारा से, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फोटोकॉपी कराते हैं, जीरोक्स कराते हैं, तो जीरोक्स में क्या होता है, फोटोकॉपी में क्या होता है, जो पेज आप जैसा लेके गए सेम उसी तरीके का आपको उस पर जीरोक्स पे या फोटोकॉपी पर वो लिखा हुआ या जो भी आपकी इमेज ड्रॉ है उस पेज पर जैसा भी है सेम उसी तरीके का आपका दूसरा पेज निकल के आता है फोटोकॉपी में या जीरोक्स में जब आप बात करते हैं। तो कॉपी करना, उसकी डुप्लीकेट बनाना, डुप्लीकेट हो गया उसी का उसी तरीके से बना दिया दूसरी कॉपी, तो वो हो गया कॉपी करना, कॉपी करा पेस्ट करना सेम वही इमेज वहां पे, फॉर एग्जाम्पल ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैंने इसकी कॉपी करी और मुझे दूसरी बार भी यही टेक्स्ट लिखना था, मैंने इसको कॉपी करा और पेस्ट कर दिया, पेस्ट में इसकी डुप्लीकेट बन के आ गई, सेम एज इट इज ये लिखा हुआ आ गया, तो कॉपी पेस्ट कट, कट का मतलब होता है रिमूव करना, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से ये लाइन रिमूव करनी थी तो मैंने इसको कट कर दिया तो ये रिमूव हो गया। Using edit menu command, किसका यूज करके, edit menu command, ये ऑप्शन आपको कहां मिलेंगे, cut paste और copy का ऑप्शन आपको कहां मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे edit command के अंदर, क्योंकि बोला गया है using edit menu command, किसका यूज करके, edit menu command का यूज करके, तो ये ऑप्शन भी कहां मिलेंगे, edit menu command के अंदर ही मिलेंगे। अब बात करते हैं edit menu command की, edit menu command क्या होता है, edit menu provide command to, एडिट मेन्यू प्रोवाइड करती है कमांड क्या करने के लिए, टू सेलेक्ट, क्या करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल हमें कोई सेलेक्ट करना है लाइक मुझे ये हेडिंग सेलेक्ट करनी है तो मैं किसका यूज करूंगा, एडिट मेन्यू कमांड का, और एडिट मेन्यू के अंदर सेलेक्ट का, सेलेक्ट क्योंकि एडिट मेन्यू क्या करता है, प्रोवाइड करता है कमांड क्या करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट कर ले, अगर मुझे कट करनी है तो कट भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट टू हाफ पिक्चर और ए ड्राइंग, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं पिक्चर को या ड्राइंग को, मतलब ये बोल रहा है एडिट मेन्यू प्रोवाइड करते हैं कमांड का हमें सेलेक्ट करने के लिए, कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए पिक्चर या फिर ड्राइंग को। एडिट मेन्यू से हम अपनी किसी इमेज को, पिक्चर को सेलेक्ट भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं, ना केवल किसी टेक्स्ट को ही बल्कि पिक्चर या फिर ड्राइंग को भी कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट सेलेक्ट
उसके बाद हम बात करते हैं कट कमांड की। अब हमारी कट कमांड आ जाती है कि कट कमांड क्या होती है। दिस कमांड इज यूज टू कट और रिमूव ए पोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग इन अ पेंटिंग। इस कमांड का यूज किस लिए करा जाता है? इस कमांड का यूज करा जाता है कट करने के लिए, रिमूव करने के लिए पोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोर्शन किसी भी ऑब्जेक्ट का ड्रॉ या पेंट, जो पेंट के अंदर ड्रॉ करा गया। मतलब कट कमांड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? कट का मतलब हम रिमूव कर सकते हैं सिलेक्टेड पोर्शन को ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग इन अ पेंट। जो भी ऑब्जेक्ट है ड्रॉ करे गए हैं किसके अंदर? पेंट के अंदर। हम उसको कट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं कट कमांड के अंदर। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक हेडिंग ये सिलेक्ट कर लिया, एडिट कमांड को, एडिट मेन्यू कमांड को मैंने सेलेक्ट किया, मैं इसको कट कर सकता हूँ। कट करने का मतलब है मैं इसे यहाँ से रिमूव कर दूँ, हटा दूँ। कट का मेनली मीन्स क्या होता है? जब आप कट करते हो तो उसका मतलब होता है रिमूव करना। तो कोई बात बोली गई, कट कमांड किस लिए यूज की जाती है? कट करने के लिए, रिमूव पोर्शन, पोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग इन अ पेंट, वो पोर्शन, वो हिस्सा जो ड्रॉ करा गया हो किसके अंदर? पेंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक इमेज बनाई, मैं इस इमेज को इतनी सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे कट कर देता हूँ। कट करने का मतलब है कि जो भी मैंने इतना पोर्शन लिया इसको मैं रिमूव कर दूं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ये रिमूव हो गया, इतना पोर्शन हटा दिया मैंने, वो क्या होता है? कट करना, कट कमांड। कट कमांड का यूज इसीलिए होता है रिमूव करना, उस पोर्शन को हटा देना। उसके बाद है क्लिक ऑन सेलेक्ट टूल एंड सेलेक्ट पोर्शन ऑफ अ पिक्चर। क्लिक हम किस पर करेंगे? हम सेलेक्ट टूल पर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट टूल पर क्लिक करने के बाद क्या होगा? सेलेक्ट ए पोर्शन ऑफ पिक्चर, पोर्शन ऑफ पिक्चर सेलेक्ट कर लिया। मतलब कि पोर्शन ऑफ पिक्चर सेलेक्ट करने का मतलब है वो हिस्सा या उतना हिस्सा हमने सेलेक्ट कर लिया जितने की मुझे रिक्वायरमेंट है कट कमांड के अंदर, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। पोर्शन ऑफ पिक्चर सेलेक्ट करने का मतलब क्या है? क्लिक ऑन सेलेक्ट टूल एंड सेलेक्ट ए पोर्शन ऑफ पिक्चर। मैंने क्लिक करा सेलेक्ट टूल के ऊपर, सेलेक्ट टूल पर गया क्योंकि पहले मुझे सेलेक्ट करनी है इमेज, जो भी इमेज है या जो भी ड्राइंग मैंने की हुई है सबसे फर्स्ट में उसे सेलेक्ट भी तो करूंगा। तो मैंने क्या करा, सेलेक्ट टूल पर गया, मैंने उसे सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा, जब मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट ए पोर्शन ऑफ पिक्चर टूल में जाने के बाद मैंने सेलेक्ट करा पोर्शन ऑफ पिक्चर, जितनी पिक्चर का जितना भी पोर्शन की मुझे रिक्वायरमेंट थी मैंने उसको सेलेक्ट किया। उसके बाद है क्लिक ऑन एडिट ए डायलॉग बॉक्स अपीयर। क्लिक किस पर करूंगा मैं? एडिट पर क्लिक करूंगा। एडिट पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा क्योंकि पहले मैंने सेलेक्ट टूल पर गया, सेलेक्ट करा पोर्शन ऑफ पिक्चर को। अब मैं कहां जाऊंगा? एडिट पर जाऊंगा क्योंकि मुझे इसमें चेंज करने हैं। डायलॉग बॉक्स अपीयर, डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा जिसमें आपको डायलॉग मिलेगा जिसके अंदर आपको पूछा जाएगा डू यू वॉन्ट टू कट दिस पिक्चर, यस नो और कैंसिल। अगर आप करना चाहते हैं आप यस पर क्लिक करेंगे, अगर आप कट नहीं करना चाहते हैं तो आप नो पर क्लिक करेंगे, और अगर आप वो कर करना चाहते हैं तो यस करेंगे और नहीं चाहते तो नो करेंगे, और अगर आपने डिसाइड नहीं किया है तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। ये होता है। उसके बाद है क्लिक कट ऑप्शन। जब आपने डायलॉग बॉक्स को कर लिया, डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया, अगर आपने यस पर क्लिक करा है, आप कट करना चाहते हैं इस पोर्शन को, तो आप कहां पर क्लिक करेंगे? कट ऑप्शन पर, क्योंकि कट ऑप्शन से क्या होगी, आपकी इमेज या पिक्चर कट हो जाएगी। कट होने से क्या मतलब है कि वो आपकी रिमूव हो जाएगी। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कट कमांड क्या होती है। कट कमांड कट, कट और रिमूव ए पोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग इन पेंट। कट कमांड किस लिए यूज कर जाती है? कट कमांड का यूज करके रिमूव करते हैं पोर्शन या ऑब्जेक्ट को जो कि क्या हो, ड्रॉ हो किसके अंदर, पेंट के अंदर। दूसरा बोला है हम, अब इन्होंने स्टेप्स बताए कैसे कैसे करते हैं। सेलेक्ट टूल पर जाएंगे, सेलेक्ट टूल पर जाने के बाद हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे पोर्शन ऑफ पिक्चर को, जो पोर्शन है पिक्चर का उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर हम कहां जाएंगे, फिर हम एडिट पर क्लिक करेंगे। एडिट पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, हमारा एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। डायलॉग बॉक्स अपीयर होने के बाद क्या होगा,
हम क्लिक कर देंगे इस पर कट ऑप्शन पर, कट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। नाउ अब हम डिस्कस कर लेते हैं पेस्ट कमांड का। पेस्ट कमांड का यूज किस पे होता है? पेस्ट कमांड, दिस कमांड इज यूज टू, दिस कमांड इज यूज टू इनसाइड, दिस कमांड इज यूज टू इनसाइड द कट पोर्शन, द कट पोर्शन ऑफ ए ड्रॉइंग, देखिए पेस्ट कमांड का यूज किस लिए किया जाता है? पेस्ट कमांड का यूज हम करते हैं क्या करने के लिए? यूज टू इंसर्ट कट पोर्शन। किस लिए यूज किया जाता है? इंसर्ट करने के लिए। इंसर्ट करना मतलब इंसर्ट करने के लिए कट पोर्शन, कट पोर्शन को जो कटा कट किया था हमने, किसका यूज करके? कट कमांड का यूज करके। टू ड्रॉइंग टू एनी प्लेस ऑफ ए ड्रॉइंग, टू एनी प्लेस, किसी भी प्लेस पर ड्रॉइंग के अंदर जो कट कमांड का यूज करके जो इमेज कट की थी उसी को इंसर्ट करने के लिए हम यूज किसका करते हैं? पेस्ट कमांड का यूज करते हैं। जो कट के अंदर कट की है उसका यूज हम पेस्ट कमांड में का यूज करके हम उसे इंसर्ट करते हैं ड्रॉइंग के लिए किसी भी प्लेस पर। तो कैसे होंगे इसके वो मतलब सेलेक्ट एंड क्लिक ऑन एडिट एंड क्लिक ऑन एडिट। हम सेलेक्ट करेंगे और क्लिक कर देंगे किस पर? एडिट मेन्यू पर। सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे किस पर? एडिट मेन्यू पर। सेलेक्ट किया और क्लिक कर देंगे इसे एडिट मेन्यू पे। सेलेक्ट करके क्लिक करने के बाद एडिट मेन्यू में हम क्या करेंगे? सेलेक्ट एंड क्लिक, सेलेक्ट एंड क्लिक पेज ऑप्शन। हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे किस पर? पेज ऑप्शन पर। पहले हम सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे एडिट मेन्यू पर, फिर हम सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे किस पर? पेज ऑप्शन पर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? पेस्ट कमांड का यूज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉपी कमांड। कॉपी कमांड का यूज किस लिए करा जाता है? ये कमांड, दिस कमांड is used to get duplicate, this command is used to get duplicate copy of the selected portion। इस कमांड का यूज किस लिए करते हैं? इस कमांड का यूज करते हैं क्या करने के लिए? get डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द सेलेक्टेड पोर्शन। डुप्लीकेट कॉपी लेने के लिए, किसकी डुप्लीकेट कॉपी लेने के लिए? सेलेक्टेड पोर्शन की। तो कॉपी कमांड का यूज किस लिए करा जाता है? कॉपी कमांड का यूज करा जाता है डुप्लीकेट कॉपी लेने के लिए सेलेक्टेड पोर्शन के लिए। इसीलिए किसका यूज होता है? कॉपी कमांड का यूज होता है। कॉपी कमांड से हमें डुप्लीकेट कॉपी मिलती है सेलेक्टेड पोर्शन की। जो भी हमने सेलेक्ट पोर्शन किया हो उसकी डुप्लीकेट कॉपी मिल जाती है कॉपी कमांड का यूज करके। Yes, अब देखा है, देखो कॉपी कमांड मैंने बताया कॉपी कमांड का यूज किस लिए करते हैं। कॉपी कमांड से हमें डुप्लीकेट कॉपी मिलती है टू गेट, यूज टू गेट डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द सेलेक्टेड पोर्शन। जो भी सेलेक्टेड पोर्शन है उसकी डुप्लीकेट कॉपी मिल जाती है किसका यूज करके? कॉपी कमांड का यूज करके। तो कॉपी कमांड इसलिए यूज कर जाती है गेट करने के लिए क्या? डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द सेलेक्टेड पोर्शन।
अब इसके स्टेप्स कैसे हैं, सेलेक्ट द पोर्शन और द होल ड्रॉइंग। आप सेलेक्ट कर सकते हो किसी कैसे पोर्शन को या किसी पर्टिकुलर पोर्शन को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो या फिर होल ड्रॉइंग यानी कंप्लीट ड्रॉइंग को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है क्लिक ऑन एडिट। आप किस पर क्लिक करेंगे, आप क्लिक करेंगे एडिट पर। एडिट पर क्लिक करने के बाद आपका है सेलेक्ट कॉपी ऑप्शन। आप किसको सेलेक्ट करेंगे, आप सेलेक्ट करेंगे कॉपी ऑप्शन को। कॉपी ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट है द सेलेक्टेड पोर्शन और ड्रॉइंग इज कॉपीड। जो भी आपका सेलेक्टेड पोर्शन है या फिर आपकी सेलेक्टेड ड्रॉइंग है वो आपकी क्या हो जाएगी, वो आपकी कॉपीड हो जाएगी। सेलेक्टेड पोर्शन या फिर ड्रॉइंग आपकी कॉपी हो जाएगी। नेक्स्ट है अगेन सेलेक्टेड एडिट। अगेन सेलेक्ट करोगे आप किसको, एडिट को, आप एडिट को दोबारा से सेलेक्ट करोगे। फिर है सेलेक्ट पेस्ट ऑप्शन एंड एडिट। आप किसका यूज करोगे, सेलेक्ट करोगे पेस्ट ऑप्शन एंड एडिट का। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे पोर्शन ऑफ होल ड्रॉइंग, पूरी ड्रॉइंग का पोर्शन आप सेलेक्ट करोगे, क्लिक करोगे एडिट मेन्यू पर, एडिट पर आप एडिट पर जाकर क्लिक करोगे। फिर आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे कॉपी ऑप्शन को, जो भी आपका कॉपी ऑप्शन है आप उसको सेलेक्ट करोगे। फिर है सेलेक्टेड पोर्शन और ड्रॉइंग इज कॉपीड, अगेन सेलेक्ट एडिट। आप किसको करेंगे, सेलेक्ट एडिट को सेलेक्ट करोगे दोबारा से, क्योंकि आपने अब क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया पोर्शन या ड्रॉइंग को जो आपको कॉपी करनी है। फिर है सेलेक्ट पेस्ट ऑप्शन एंड एडिट। आप क्या सेलेक्ट करोगे, पेस्ट ऑप्शन को और किसको, एडिट को। थैंक यू।